हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका निवांशी टेरिस गार्डन में। तो फ्रेंड, अभी समर स्टार्ट होने वाला है और समर सीजन में हमने अपने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई है, कितनी सब्जियां बढ़ चुकी है, क्या अपडेट है, आज मैं अपने किचन वेस्ट गार्डन का ओवरव्यू करवाने वाली हूँ। कौन कौन सी सब्जियां मैंने अपने गार्डन में ऐड की है और अपडेट क्या है वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मैं बड़े से टब में आम का पौधा लगाया है और उसी के पास ये देखिए मिर्च का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है और उसमें छोटी छोटी मिर्च भी फ्लावर आ चुके हैं, मिर्च अभी लगने ही वाली है। और इधर देखिए मेरे ये रंगून क्रीपर की बेल है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और इधर मेरा सारा गार्डन है और इधर भी मेरे हिबिस्कस है जो अभी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और यहाँ पे देखिए कलांशो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे जो गेंदा के पौधे मैंने रिपोर्ट किए थे उनको भी काफ़ी अच्छे से मैंने लगा दिया था और उनकी भी ग्रोथ हो रही है। और विंका भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, दो तीन कलर है। और ये देखिए कैलेंडुला जो मैंने कटिंग से लगाया था, दो कटिंग पौधे मेरे ख़त्म हो गए थे पानी की वजह से और एक ये बच गया था। और ये मदर प्लांट है और इधर भी मेरे हिबिस्कस है और डहेलिया के पौधे भी है। तो हम देखेंगे अभी कि मेरे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां मैंने लगाई हुई है। तो इधर देख सकते हो, यहाँ से मैंने रास्ता बनाया है इधर पूरा अपना गार्डन घूमने के लिए। और यहाँ से इस तरह से दिखता है मेरा गार्डन। तो अभी धूप भी बढ़ गई है और हमारे इधर तो बंदरों की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, उसी की वजह से मैंने ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह नहीं लगाई है क्योंकि बहुत परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं रहने देते हैं। पर कुछ कुछ इधर उधर बड़े बड़े पौधों के आजू बाजू में छुपा के रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मिर्च के पौधे, इनको मैंने रहने दिया है ताकि ये पक जाए, पकने के बाद मैं इसे तोड़ूंगी और सुखाऊंगी क्योंकि सूखी हुई मिर्च भी बहुत अच्छी होती है सब्जी में डालने के लिए। यहाँ पे देखिए लाल मिर्च हो गई है, पूरी पक गई है। तो इस तरह से मैं इन्हें रहने दूंगी और फिर इनको तोड़ दूंगी जो पक गई है उनको। तो इस तरह से मैं इधर उधर अपने जो पौधे होते हैं उनको संभाल के रखती हूँ। यहाँ पे आलू के पौधे हैं, यह मैंने किचन वेस्ट में ही लगाए थे। और यहाँ पे देखिए जब मैंने इनको ट्रांसफ़र किया था छोटे छोटे आलू बन रहे थे, तो इनको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए मेरे प्याज लगे हुए हैं, इनको भी तोड़ना बाकी है। और इधर मैं दिखाती हूँ मैंने जो मिर्च के पौधे उगाए थे और उनको रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे मेरा ये सफ़ेद वाला गुलाब है और काफ़ी अच्छे से इसमें देखिए रिपोर्टिंग के बाद और रूट प्रूनिंग के बाद काफ़ी अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कलियाँ इसमें बनी हुई है। और इधर भी है। और यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर के पौधे इस तरह से छुपा के रखे हुए हैं काफ़ी अच्छे से, और ये टमाटर भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से छुपा के रखना पड़ता है तभी हमारे टमाटर वगैरह बच जाते हैं। यहाँ पे एक टमाटर छुपा हुआ है, पका हुआ है, इसे तोड़ लेती हूँ ये देखिए। और बहुत ज़्यादा दो तीन पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से मैंने छुपा के रखा हुआ है। तो मुझे मैंने दो बार इसमें हार्वेस्टिंग भी की है, आधा से ज़्यादा मतलब आधा पौन किलो तो एक बार में हार्वेस्टिंग हो ही जाती है। तो इस तरह से छुपा के रखना पड़ता है। और उसके बाद ये देखिए मिर्च के पौधे जो मैंने वेस्ट पॉलीबैग में लगाई हुई थी, घर में हमारे जो वेस्ट पॉलीबैग निकलते हैं उसमें, ये देखिए काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, ये देखिए तीन। और एक ही एक पॉलीबैग में मैंने दो दो पौधे लगाए थे मिर्च के और इतने सारे मेरे हो गए हैं पौधे।
तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो गए आगे जाके। इन्हें भी मैं अच्छे से दूसरे बड़े इसमें लगा दूंगी, ट्रांसफ़र कर दूंगी बड़ी पॉली बैग में। तो इस तरह से हम बंदरों से बचा के भी अपना जो सब्जियों वाला गार्डन है वो बना सकते हैं फूलों के साथ साथ। और ये हमें काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक पौधे होते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती है हमें जो हम अपने गार्डन में लगाते हैं, क्योंकि जो भी किचन वेस्ट निकलता है और जो हम गोबर की खाद वगैरह लाते हैं उसमें मैं ये सब्जियां वगैरह उगाती हूँ, कुछ केमिकल वगैरह नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए सेमी फली के बेल है और इसमें भी अभी फली लग रही है, ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें और अभी सेमी फली भी इसमें लग जाएंगी, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। और यहाँ पे करेला देख सकते हो, ग्रो बैग में मैंने लगाया है और इसमें करेले आना स्टार्ट भी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे करेले भी इसमें लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं इसे दोरी से मंडप बना दूँगी ताकि ये अच्छे से छावनी की तरह बन जाएगा और करेले आसानी से इसमें लग जाएंगे, तोड़ने के लिए भी आसान हो जाएगा और इसको फैलने के लिए भी जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं अपना गार्डन बनाती हूँ सब्जियों का, जो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।